मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन द अर्लियर वीडियो लेक्चर वी गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर। एंड इन दिस वीडियो लेक्चर ऑल्सो वी आर गोइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट some very short answer type questions which are important for your examination. Okay, so without wasting a time, let us continue the question series. Okay, so first question is, what is meant by transparency? Transparency ka matlab kya hai ki kisi bhi democratic country mein transparency ka matlab kya hai ya phir transparency se kya expect kiya jata hai? To iska answer hoga ki in a democracy the term transparency signify that decisions are taken through the correct procedure by involving people and that people have the right to examine the process of decision making. It means decision making process mein jab janta ko usme involve kiya jata hai to it means that is the transparent procedure. Parliament mein koi law banaya ja raha hai to us law banane ke procedure mein लोगों को या तो पहले पूछ लिया गया है या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव उनके ग्रीवांसेस लेकर उसके लिए लॉ बना रहे हैं, तो ये एक ट्रांसपेरेंट मेथड हो गई। और दूसरी बात इसमें आती है कि पीपल हैव द राइट टू एग्जामिन द डिसीजंस विच हैव टेकन बाय द रिप्रेजेंटेटिव, कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठे हैं, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है इसको एग्जामिन करने की अगर उनको क्या होती है अनुमति मिलती है, एक फैसिलिटी या फिर मैकेनिज्म मिलता है, तो सच मेथड इज नोन एज द ट्रांसपेरेंट मेथड। डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मोस्ट। एंड दूसरी बात कि उन्होंने है ना जो भी डिसीजन लिए है उसको एग्जामिन कर देना चाहिए। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ है ना सालों में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फार्मर्स के लिए 3 बिल्स पास किए गए थे, लेकिन ये बिल्स पार्लियामेंट में मेजोरिटी ऑफ द है ना सपोर्ट से गवर्नमेंट ने पास किए, लेकिन शायद कुछ लोग इसको है ना सेटिस्फाई नहीं थे। पंजाब जैसे स्टेट में बहुत सारे फार्मर्स ने इस इशू को लगा के रखा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में इनको ध्यान नहीं दिया गया, तो लोगों की जो समस्याएं थी वो जो उनकी एक्चुअल ग्रीवांसेस थी वो शायद सरकार ने नहीं सुनी थी। तो हमारी डेमोक्रेसी एक ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी है, इस बात का ये एग्जाम्पल है कि इसमें फार्मर्स ने सरकार को क्या किया है वो फैसला बदलने के लिए मजबूर किया है बाय डेमोन्स्ट्रेशंस, बाय एग्रीटेशंस और वेंटिंग ऑन द हंगर स्ट्राइक, है ना। वैसे बहुत सारे प्रयास करने के बाद सरकार ने आखिरकार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने खुद सामने आकर डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो 3 बिल मैंने फार्मर्स के वेलफेयर के लिए पास किए थे मैं उसे टेकन बैक या फिर वापस ले रहा हूँ, इट मीन्स वो कैंसिल कर दिए गए। सो माय डियर स्टूडेंट, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये इस तरह से उसमें अगर ट्रांसपेरेंसी है, जनता के अकॉर्डिंग लिया जाता है, जनता का उसमें पार्टिसिपेशन होता है या फिर उसको क्रॉस एग्जामिन है ना करने के लिए कोई प्रोसीजर मेथडोलॉजी अगर उसको मिलती है तो दैट सिस्टम इज द ट्रांसपेरेंट सिस्टम, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशियंट एंड इफेक्टिव? अगर है सो हाउ इट इज इफिशियंट एंड इफेक्टिव, दिस इज द क्वेश्चन। देन द आंसर, डेमोक्रेटिक जो भी गवर्नमेंट होती है वो हमारे लिए इफिशियंट और इफेक्टिव होती है क्या? द आंसर इज ऑलरेडी है ना ऑब्वियसली यस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशियंट और हमारे लिए इफेक्टिव होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू सम एक्सटेंट इज इफिशियंट एंड इफेक्टिव एज इट प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट एंड डेवलप्स अ मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। देखिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जनता को इसमें पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल रहा है, ओके और वो लोगों के लिए अकाउंटेबल है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए इफिशियंट एंड इफेक्टिव होती है। व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इफिशियंट एंड इफेक्टिव फॉर अस? बिकॉज इट गिव्स अस चांस टू टेक अ पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एंड दूसरा कारण,
दूसरा रीज़न है बिकॉज इट इज़ अकाउंटेबल फॉर द सिटीज़न. दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन सम मैनर क्या होती है, इफेक्टिव होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी टू और मोर फैक्टर्स ऑन विच इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड. अगर आपने देखा होगा कि हमारे प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इसको डिटेल लर्न किया था. इफ़ यू हैव नॉट वॉच तो आप जाइए वीडियोस में सर्च कीजिए, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वीडियो है, उसको आप लर्न कर लिए, फिर से देखिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए. तो यहाँ पे सवाल ये है कि कोई भी ऐसे फैक्टर्स हमें बताने हैं दैट विच इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड, कि जिसके ऊपर देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड होती है. कोई भी देश है, जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया इतना बड़ा देश है जिसका जियोग्राफिकल एरिया नियर अबाउट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया है. अब इसकी डेवलपमेंट देखनी है तो इसकी सिंपली आप पर कैपिटा इनकम से देश की डेवलपमेंट नहीं पता चलेगी. हो सकता है यहाँ पे जो श्रीलंका है उसका पर कैपिटा इनकम एक आधे बार किसी और बड़े देश के से ज़्यादा निकल के आए, तो उस देश का या डेवलपमेंट देखने का एक माध्यम या फिर मेजर यूनिट पर कैपिटा इनकम नहीं हो सकता. उसके लिए हमें कुछ बातें देखनी पड़ेंगी. नंबर एक, कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में कितनी जनसंख्या रहती है ना, कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ये पहला फैक्टर है. इसको एग्जामिन करके हम डेवलपमेंट को एग्जाम कर सकते हैं, देख सकते हैं. दूसरा है ग्लोबल सिचुएशन, कि वेयर द कंट्री इज सिचुएटेड, कि कंट्री की लोकेशन कहाँ पे है, इंटरनेशनल लेवल पे वो देश कहाँ पे सिचुएटेड है. अगर वो देश अदर देशों को कनेक्ट होने के लिए उससे बहुत समस्याएं होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो वो शायद डेवलप होने के लिए थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, है ना. तो उसकी ग्लोबल सिचुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा फैक्टर हो गया. अब तीसरा फैक्टर जान लेते हैं, व्हाट इज दैट, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज. लुक दिस, इंडिया, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, हियर सम म्यांमार एंड रेस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड द साउथ श्रीलंका. अगर मानो इंडिया का अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन ही अच्छा नहीं है, कोई क्राइसिस है, जैसे कि कोविड की सिचुएशन है. अब इस कोविड के सिचुएशन में एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को हेल्प करना बहुत इशेंशियल हो गया था, क्योंकि एक देश में ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया तो वो अपना ऑक्सीजन बनाने तक बहुत सारे लोग है ना उसके अफेक्टेड हो जाते हैं, और कई सारों को है ना अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि उनको है ना डेथ को है ना फेस करना पड़ता. अगर उस देश के अपने नेबरिंग देश के साथ या फिर कोई और देश के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, और इनकेस इन एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी वो कंट्रीज इस देश को हर चीज के लिए सप्लाई करने के लिए तैयार हो सकते हैं, वो फिर ऑक्सीजन के लिए सप्लाई हो, या फिर एक आधे बार वॉर शुरू है तो वॉर में लड़ने के लिए डिफेंस है ना वेपन्स की जरूरत है, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स की जरूरत है, तो वो वेपन का सप्लाई, जैसे कि इंडिया हैव वेरी गुड है ना फ्रेंडली रिलेशंस विद सम कंट्रीज लाइक रशिया है ना, यह हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त है. अभी डिफेंस के लिए इसराइल जैसे देश भी हमसे हमारे साथ मदद करते करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते. और बहुत सारे नाम हैं, हमारे इंडिया का अमेरिका के साथ भी अब ठीक ठाक रिलेशन चल रहा है, और जो भी अरेबियन कंट्रीज़ है, सऊदी अरेबिया है, अरेबियन कंट्रीज जैसे, उनके साथ भी हमारे ऐसे रिलेशंस है कि आज इंटरनेशनल लेवल पे भारत को एक ताकतवान देश बनने से बहुत देशों का समर्थन मिल रहा है, एक्सेप्ट वन, आप जानते हैं हमारा ही नेबरिंग है ना, जैसे कि बहुत सारे नेबर्स होते हैं अपने नेबर की प्रोग्रेस देख के जलते हैं, वैसा ही है, हमारे पास दो नेबर ऐसे भी है, इधर ही पाकिस्तान और उधर चाइना, हमारी प्रोग्रेस उनकी आंखों में अच्छी नहीं रहती, उनकी मतलब उनके आंखों में वो चुपती है. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है एशिया में इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसकी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जो पूरे इंडियन ओशियन के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड जो वहाँ से होता है उसको कंट्रोल में ले सकता है, और अगर वो इतने तेज़ी से आगे बढ़ा तो एशिया में एक पावरफुल नेशन बन सकता है, और वो नहीं चाहते कि इंडिया एशिया में एक पावरफुल देश बने है ना, एक जागतिक महासत्ता बने.
लेकिन किसी के रोकने से रोकने वाला हमारा देश नहीं है, है ना। चाहे कुछ भी कर लो हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। यस, हम सब भारतीय हैं। हम सब ऐसे सिचुएशन में एक हो जाते हैं, यही तो हमारी खासियत है, है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि किसी भी देश के बाहरी देशों के साथ रिलेशंस कैसे है। फ्रेंडली रिलेशंस का होना तो बहुत ज़रूरी है, और वो रिलेशंस मदद काम मुसीबत के समय में काम में आने चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस देश के, है ना, अदर कंट्रीज के साथ रिलेशंस मीन्स कोऑपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज, ये भी फैक्टर डिपेंड करता है उस देश के डेवलपमेंट पे। ठीक है, तीन पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट रख लेते हैं, क्या है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज की। कोई भी कंट्री है, मैं अपना ही कंट्री आपको एग्जांपल के रूप में दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये एग्जांपल प्रॉपरली समझ में आए। व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, कि भाई उस देश की इकोनॉमिक प्रायोरिटी क्या है। अगर वो गरीबों को खाना प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, सो इट मीन्स दैट इज वेरी बैकवर्ड नेशन, क्योंकि उसके देशों में गरीबों की संख्या वर्स्ट है, उनकी परिस्थिति वर्स्ट है। तो वो उसकी प्रायोरिटी क्या है, इकोनॉमिक प्रायोरिटी, उसकी इकोनॉमिक प्रायोरिटी है फूड, उस कंट्री की इकोनॉमिक प्रायोरिटी होंगी शेल्टर एंड सम अदर चीज़ें, है ना। तो इसका मतलब है कि उस देश की डेवलपमेंट में अभी काफ़ी समय लगेगा। एक है देश की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना है, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो देश काफ़ी, है ना, डेवलप कर चुका है और वो भी करना चाह रहा है। तो इसके ऊपर उस देश की डेवलपमेंट डिपेंड करेंगी, व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ द नेशन। तो ये चार फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर देश की डेवलपमेंट डिपेंड रहती है। माय डियर स्टूडेंट, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मन लगा के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो हम ऐसे ही मन लगा के पढ़ेंगे, आप लोग भी ऐसे ही, है ना, इसमें स्टडी करते रहो। इसका आप काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, जो भी आंसर्स आपको पूछे जा रहे हैं आप उसका, है ना, कमेंट्स में भी आंसर दे रहे हो। यही मैं आप लोगों से चाहता हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है एक्सप्लेन करने में, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए। तो, है ना, तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। जो भी कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन तब तक, है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और पढ़ाई कर दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, है ना। कीप लर्निंग, और लर्निंग करनी है तो हंसते हंसते करिए, खेलते वक्त, है ना, खेलने के चाहिए और पढ़ते वक्त पढ़ना भी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, है ना। रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।